हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विकास कुमार और मैं उपस्थित हूं एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे वाटरमेलन यानी तरबूज के बारे में। दोस्तों, तरबूज गर्मी में पाया जाने वाला एक बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही फायदेमंद फल होता है। इसके खाने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके सेक्सुअल पावर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि तरबूज खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, साथ ही तरबूज को कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्या डायबिटिक पेशेंट तरबूज को खा सकते हैं। इन सभी बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज आप हमारे चैनल भी मेडिकल फैक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें देखते हैं तो यहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले हम बात करते हैं तरबूज खाने का जो पहला बेनिफिट है वो क्या है। दोस्तों, तरबूज खाने का जो पहला बेनिफिट है वो है आपकी बॉडी के हाइड्रेशन के लिए। या दोस्तों, तरबूज में 92% पानी होता है जो आपके बॉडी को हाइड्रेट रखता है, यानी आपके बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देता है। जब आप गर्मी में धूप में काम करते हैं या वैसे भी आपके बॉडी में जब पसीना निकलता है तो उसके साथ आपकी बॉडी से बहुत सारे विटामिन मिनरल निकल जाते हैं, जिससे आपको कमजोरी फील होती है, आप में चिड़चिड़ापन इत्यादि परेशानियां होती है। इस कमी को पूरा करता है ये तरबूज। तो दोस्तों, रेगुलर बेस में आपको गर्मियों में तरबूज जरूर खाना चाहिए। दूसरा फायदा है दोस्तों, आपके स्किन हेल्थ के लिए। दोस्तों, तरबूज में 92% पानी के साथ इसमें विटामिन ए, बी, सी और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो आपके स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जब आप में विटामिन ए और सी मौजूद होता है तो इससे आपका स्किन डैमेज नहीं होता है। आपके स्किन में कहीं पर भी फोड़े फुंसी निकलने का जो संभावना है वो तो बहुत ही कम रहता है और आपका स्किन बहुत ही हेल्दी दिखता है। तीसरा फायदा है दोस्तों, वेट लॉस के लिए। जो व्यक्ति अपने वजन को घटाना चाहते हैं उसको रेगुलर बेस में तरबूज जरूर खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तरबूज में बहुत ही कम मात्रा में कैलोरी होती है और इसमें 92% पानी होता है। जब आप इसको खाते हैं तो ये आप में ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पेट को ये भर देता है। इससे कुछ और ज्यादा खाने की इच्छा आपको नहीं होती है और जब आप तरबूज खाते हैं तो उसमें बढ़िया मात्रा में आपको फाइबर भी मिल जाता है, जो आपको ये एहसास दिलाता है कि आपका पेट भर चुका है और इससे आपका बॉडी वेट कम होने का चांस हो जाता है, क्योंकि आपके भीतर में कैलोरी बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के बॉडी वेट को बढ़ाने के लिए कैलोरी बहुत मायने रखता है। जितना ज्यादा कैलोरी आप लेते हैं उतना ज्यादा आपका वजन बढ़ता है। इसलिए आप कोई अगर वजन को कम करना चाहता है तो तरबूज का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, चौथा फायदा है इसका, यह आपको कैंसर की गतिविधि को कम करता है, या यूं कहें तो कैंसर से आपको ये बचाता है। दोस्तों, तरबूज में लाइकोपीन होता है जिसके कारण तरबूज का रंग लाल दिखता है। इसके साथ ही इसमें और एक कंटेंट मौजूद होता है दोस्तों, कुकरबिटासिन, जो आपको कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है। इसलिए कैंसर से बचने के लिए आप तरबूज का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, नेचर ने हमारे लिए बहुत सारी व्यवस्था की है। अगर समय पर आप सीजनल फूड खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उसमें एक तरबूज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तरबूज खाइए और कैंसर जैसी बीमारियों से भी आप बचे रहिए। पांचवा फायदा है दोस्तों, तरबूज खाने के आपके हार्ट हेल्थ के लिए। दोस्तों, इसमें मौजूद लाइकोपीन आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदा करता है। यह अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाते हैं। यह आपके बीपी को मैनेज करता है। इसमें मैग्नीशियम पोटेशियम होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ने से भी नियंत्रित करता है। तो इसलिए हार्ट की बीमारी में भी तरबूज फायदेमंद होता है। या यूं कहें तो हार्ट की बीमारी से बचने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। अगला फायदा है दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। जो पुरुष अपने महिला पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं उसको तरबूज जरूर खाना चाहिए, क्योंकि तरबूजा खाने से दोस्तों आप में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है जो आपके इरेक्शन को बढ़ाता है, यानी आपके ईडी की समस्या को ठीक करता है। अगला फायदा है दोस्तों, आपके आंखों के लिए। दोस्तों, तरबूजे में ऐसे बहुत सारे कंटेंट मौजूद होते हैं, विशेषकर जो लाइकोपीन होता है वो आपके आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। जब आप तरबूजे का इस्तेमाल करते हैं, तरबूजे को खाते हैं तो ये आप में लाइकोपीन की मात्रा को नियंत्रित रखता है और इससे आपका जो आंखों की समस्या है, देखने की समस्या है, वो ठीक रहता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि तरबूज को कब खाना चाहिए। दोस्तों, तरबूज को आप कभी भी खाएं तो दिन में ही खाएं। दिन में खाने से आपको बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट देता है। और एक चीज का ध्यान रखें दोस्तों, रात में कभी भी आप तरबूज न खाएं। रात में तरबूज खाने से दोस्तों आपको सर्दी हो सकती है और भी पेट की सारी बीमारियां हो सकती है। तरबूज जब भी खाएं तो आप खाने के पहले खाएं और तरबूज के साथ में दूध जैसी चीजों का सेवन न करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि तरबूज को डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो हाई होता है, लेकिन तरबूज का ग्लाइसेमिक लोड जो होता है
वो कम होता है, तो थोड़ी मात्रा में तरबूज को डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा मात्रा में आप तरबूज का इस्तेमाल न करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा, इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।